तो दोस्तों आज हो गई है 7 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार ये तीनों ही विवादित कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। 8 दिसंबर के भारत बंद को विपक्ष का खुलकर के समर्थन, सोनिया गांधी और शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर बनाया दबाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, विपक्षी दलों समेत कई क्षेत्रीय संगठनों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा 8 दिसंबर को किए गए भारत बंद के आह्वान को खुलकर के अपना समर्थन दिया है। इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और वहीं गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है और केंद्र पर प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को मानने के लिए दबाव बनाया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिलजीत की दरिया दिली, कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों को गर्म कपड़ों के लिए दान किए 1 करोड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ऐसे समय में जब देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता है तब देश के लगभग सभी प्रभावशाली लोग अपनी जवान पर ताला लगाए हुए बैठे हैं। पंजाब और बॉलीवुड के बड़े सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ना सिर्फ किसानों के पक्ष में खड़े हैं बल्कि उन्होंने अब तक की किसानों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक मदद की है। दिलजीत दोसांझ ने इस बढ़ती ठंड में किसानों को गर्म कपड़े खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिया है ताकि किसानों को ठंडी रातों में थोड़ा आराम मिल सके। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। इस ठंड के मौसम में बूढ़े किसान सिंधु बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। दिलजीत की इस दरिया दिली के सभी लोग यहां पर जमकर के तारीफ कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, नकली शहद बनाते हैं रामदेव, अगर कोई दूसरा देश होता तो अब तक इस बाबा को जेल में डाल दिया गया होता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रामदेव ने चीन से एनिमल प्रोडक्ट से बना हुआ सिरप मंगा करके शहद के रूप में बेचा। इससे शाकाहारी हिंदुओं की भावनाएं पूरी तरह से अपमानित हुई। यहां पर धार्मिक भावनाओं की बात नहीं की जा रही है परंतु किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत पसंद नापसंद की इज्जत तो कम से कम रामदेव को करनी ही चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों को और बीमार व्यक्ति को दवाई में मिलाकर भी जिन्होंने रामदेव का नकली शहद दिया उन्हें कितना नुकसान हुआ होगा। कोई दूसरा देश होता तो अब तक इसे जेल में डाल दिया गया होता। यहां सत्ताधारी दल का समर्थक होने के कारण यह अभी भी महान हिंदू संत बना उपदेश बांट रहा है और लोगों को सिर्फ मूर्ख ही बना रहा है। यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 2 JJP के विधायकों ने उठाई है किसानों के लिए आवाज, यूपी कांग्रेस भी भारत बंद के समर्थन में उतरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये आंदोलन अब दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले कई दिनों से वहां पर डटी है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन यहां पर ये सारी ही बातचीतें बेनतीजा रही हैं। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली किसानों पर बातचीत पर टिकी हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के सहयोगी दल JJP के 2 और विधायक केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में सामने निकल के आए हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम ने यह भी मांग की है कि केंद्र के 3 कानूनों को रद्द करने का आग्रह करने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए।
जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने भी किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो वहीं भारत बंद का शिवसेना का समर्थन, कहा सभी ने हिस्सा। तो वहीं व्यापारियों ने भी किसानों को दिया है समर्थन। झारखंड में भी भारत बंद को समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, एनडीए के सहयोगी दल भी यहाँ पर अब खुल करके सामने निकल के आने लगे हैं और वो भी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का खुलकर के समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विधान परिषद चुनाव, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, दो सीटों पर हुई करारी हार, सपा का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी को विधान परिषद चुनाव में दो सीटों पर करारी हार मिली है। दोनों ही सीटें जिनमें से एक शिक्षकों के लिए आरक्षित है और दूसरी स्नातक के लिए आरक्षित है, दोनों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी स्नातक की सीट जीती है, तो वहीं उनकी ही पार्टी के सहयोगी लाल बिहारी यादव ने शिक्षकों की सीट पर जीत दर्ज की है। वाराणसी के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी विजेता लाल बिहारी यादव ने कहा है कि यह पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीजेपी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। दो सीटों पर हुई है करारी हार, समाजवादी पार्टी ने किया है इन सीटों पर कब्जा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। किसानों के भारत बंद को आरएलपी का खुलकर के समर्थन, हनुमान बेनीवाल बोले एनडीए में रहने पर 8 दिसंबर के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को व्यापक जन समर्थन लगातार मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का खुलकर के समर्थन किया है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा है कि उनकी पार्टी आरएलपी कृषि कानूनों के विरोध में है पूरी तरीके से। केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है उन्होंने यहां पर, और प्रधानमंत्री मोदी को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरएलपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं, इस पर 8 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने दिया है अपना समर्थन। जी हां दोस्तों, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को दिल्ली में किसानों के विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। 51 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, भारत बंद को 10 ट्रेड यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया था। यहां पर देख सकते हैं कि चौतरफा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और बढ़ सकती हैं केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबतें। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 6 दिसंबर को याद रखना और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना बाबरी की बरसी पर ओवैसी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, 6 दिसंबर के दिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि इस दिन को याद रखना और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना कि वे इसे याद रखें। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर कहा है कि 400 से भी ज्यादा वर्षों तक हमारी बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी रही, और उन्होंने आगे कहा है कि 6 दिसंबर 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी बाबरी ढा दी गई। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें एक दिन की भी सजा नहीं मिली। ये यहाँ पर देख सकते हैं ओवैसी की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल के पास बसा लिए 3 गांव, सैटेलाइट इमेज से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सीमा पर विवाद को लेकर के चीन बाज नहीं आ रहा है। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन ने बूम लॉ पास से करीब 5 किलोमीटर दूर 3 गांव बसाए हैं। ये तीनों ही गांव पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिकोणीय जंक्शन के करीब स्थित है। इस पूरे इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद चलता रहा है। ऐसे में इस तरह गांवों का बसाना चीन की तरफ से क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की तरफ बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है।
दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है यू एंड वी टीवी पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने